सोलन के ठोडो मैदान के समीप राजगढ़ रोड पर एक महिला को इनोवा कार ने उस समय टक्कर मार दी जब वह सड़क को क्रॉस कर रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला दूर जाकर गिरी और उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। हद तो इस बात की है कि वृद्ध महिला को टक्कर मारकर चालक मौके से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे रोका। इस बीच महिला सड़क पर ही पड़ी थी, जिसे परेड देखने जा रहे युवाओं ने उठाया और उसे सोलन के अस्पताल पहुंचाया। गौरतलब है कि ये घटना तब घटी जब सभी शहरवासी गणतंत्र दिवस मना रहे थे और यातायात पुलिस भी इस कार्यक्रम को सुचारू करने में व्यस्त थी। अधिक जानकारी देते हुए घायल महिला ने बताया कि वे जब रोड क्रॉस कर रही थी तब एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वह जिसके कारण गिर गई और उसकी बाजू की हड्डी टूट गई। वहीं महिला को अस्पताल लाने वाले जागरूक युवक ने बताया कि वे अपने मित्रों के साथ गणतंत्र दिवस परेड को देखने जा रहा था। काफी लोग एकत्रित होकर कार चालक से बहस कर रहे थे, लेकिन घायल महिला की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने खुद ही महिला को अस्पताल ले जाने का फैसला लिया और तुरंत महिला को ऑटो में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। दौड़ के आ रही थी ना, और पीछे से आया, मैं ऐसे नीचे ठोक दिया मुझको, पीछे बाजू टूट गए। नहीं, एक्चुअली हम ठोडो ग्राउंड में जा रहे थे ना परेड देखने आर्मी वालों की, तब हमारे को साउंड आई, जब हम पीछे मिले तो इनका एक्सीडेंट हो चुका था। और जैसे वहाँ आसपास के लोग तो है ना, उसको ड्राइवर को पूछने लगे थे, इनको कोई नहीं देख रहा था उस टाइम। तब मैंने और मेरे फ्रेंड ने इनको उठाया, तब साइड में बिठाया, तब ड्राइवर को भी बोला हमने, मैं कहा इनको लड़ाई बाद में कर लेना, पहले इनको हॉस्पिटल छोड़ दो, पर उन्होंने किसी ने सुनी नहीं।